चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने नीट 23 एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आइए एक बार हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करेंगे, यूजी मेडिकल पर क्लिक करेंगे, इसमें ई सर्विसेज ऑब्लिक शेड्यूल में शेड्यूल ऑफ यूजी काउंसलिंग 23 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहां आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ये 23 का शेड्यूल है। इसमें जो सीट वगैरह हमारे को दिखाई देंगी वो 20 जुलाई से 21 तक सीट का जो वेरिफिकेशन होगा ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट द्वारा वो होगा इसके अंदर। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट रहेगी यानी कि 20 जुलाई 23 से लेके 25 जुलाई 23 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 25 जुलाई 23 तक। इसके बाद च्वाइस फिलिंग का जो टाइम दिया गया है वो 22 जुलाई 23 से लेके 26 जुलाई 23 तक रखा गया है, और इसमें च्वाइस लॉकिंग का भी जो टाइम है वो 26 जुलाई 23 को ये रात 11:55 तक होगा एज ए सर्वर टाइम। यानी कि आप 26 जुलाई 3 बजे दोपहर से च्वाइस लॉकिंग कर सकते हैं 26 जुलाई 3 बजे से। उसके बाद रात 11:55 तक आप च्वाइस को लॉक कर सकते हैं। अगर इस टाइम में आप च्वाइस को लॉक नहीं करते हैं तो ये जो आपने च्वाइस है फिल की हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा 27 से 28 जुलाई 23 तक होगा, रिजल्ट 29 जुलाई 23 को आ जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं जो इसके कैंडिडेट के एमसीसी के पोर्टल पर ये 30 जुलाई 23 तक होंगे। रिपोर्ट और जो ज्वाइनिंग होगी वो 31 जुलाई 23 से लेके 4 अगस्त 23 तक होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इंस्टीट्यूट द्वारा वो ये मिलान किया जाएगा एमसीसी के डाटा से, वो 5 अगस्त 23 से 6 अगस्त 23 तक रहेगा। यानी कि इस बार जो चेंज किया गया है वो चेंजिंग ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एमसीसी के डाटा से इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि जिस कैंडिडेट का जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है वो मेडिकल कॉलेज एमसीसी के डाटा से एक बार टेली करेगा, वो 5 से 6 अगस्त 23 तक होगा, वो इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा। कैंडिडेट का काम यही है कि रजिस्ट्रेशन करना है, च्वाइस फिलिंग करना है, उसके बाद एमसीसी द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा, और फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है कैंडिडेट के द्वारा एमसीसी के पोर्टल वो 30 जुलाई 23 तक किए जाएंगे, और रिपोर्टिंग होगा 31 से 4 अगस्त तक, और फिर वेरिफिकेशन करेगा ये जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो मेडिकल कॉलेज एमसीसी के डाटा के साथ टेली करेगा 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त 23 तक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो है फर्स्ट राउंड का शेड्यूल, अब बात करेंगे हम सेकंड राउंड के शेड्यूल की। तो सेकंड राउंड का शेड्यूल का सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिस प्रकार से हर बार रजिस्ट्रेशन होता आया है वो 9 अगस्त 23 से है 14 अगस्त 23 तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है। इससे पहले जो सीट मैट्रिक्स आएगा हमारे पास में 7 अगस्त 23 से 8 अगस्त 23 के बीच में ये सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा। इसमें इसके बाद में च्वाइस लॉक 10 से 15 के बीच में रहेगा, और इसमें च्वाइस फिलिंग का रहेगा ये टाइम। च्वाइस लॉक 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे से होगा और ये रात तक 11:55 तक रहेगा। इसमें सीट प्रोसेसिंग होगा 16 से 17 और रिजल्ट इसमें 18 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सेकंड राउंड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 19 अगस्त 23 तक। इसके बाद में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी 20 से 28
अगस्त 23 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे 29 से 30 अगस्त 23। इसी प्रकार से राउंड थर्ड भी होगा, जो मोपअप राउंड होता है उसके अंदर, मोपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन 31 से लेके 4 सितंबर 23 तक रहेगा। चॉइस फिलिंग का टाइम 1 सितंबर से 5 सितंबर 23 रहेगा, और इसमें रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए 6 से 7 सितंबर रहेगा। रिजल्ट इसका 8 सितंबर को आ जाएगा, और इसके अंदर जो रिपोर्टिंग रहेगा 10 से 18 सितंबर रहेगी, और वेरिफिकेशन जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं उनकी इंस्टीट्यूट करेगा। एमसीसी के साथ में जो डाटा है उसके साथ टेली करेगा 19 सितंबर से 20 सितंबर 23। इसमें जो नेक्स्ट में इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होंगे 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 23 तक, और इसमें पेमेंट भी आप 23 सितंबर 23 तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रहेगा 22 से लेकर 24 सितंबर तक, और इसमें रिजल्ट का प्रोसेसिंग टाइम रहेगा 25 सितंबर, और रिजल्ट आ जाएगा 26 सितंबर को, और रिपोर्टिंग होगा 27 सितंबर से 30 सितंबर 23। तो ये पूरा का पूरा एमसीसी का शेड्यूल आ गया है। इस बार जो चेंजेज हुए हैं वो चेंजेज ये है कि स्टूडेंट का जो स्टे वैकेंसी राउंड में है वो इस बार चॉइस लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का भी टाइम दिया जा रहा है। इससे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई चॉइसें नहीं ली जाती थी, मोपअप राउंड के चॉइसों के ऊपर ही सीट अलॉट किया जाता था और न ही उसमें कोई रजिस्ट्रेशन होते थे। लेकिन इस बार ये सबसे बड़ा चेंज है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे और इसमें चॉइस फिलिंग भी दोबारा से होगी। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छी खुशी की बात है कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अपना सीट अलॉट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के चॉइस फिलिंग करवा करके। नेक्स्ट में जो अपडेट है, जो चेंजिंग है, वो ये है कि पिछली बार ये जो वेरिफिकेशन है ज्वाइनिंग के बाद में स्टूडेंट का एमसीसी के डाटा के साथ टेली नहीं होता था, वो इस बार होगा। वो इंटरनल मामला है एमसीसी का और इंस्टीट्यूट का, हमारे को तो रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिल करना है, सीट अलॉट होने के बाद में इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है। तो ये जानकारी थी एमसीसी के शेड्यूल के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।